दोस्तों, जैसा कि आप में से काफ़ी सारे YouTube पर ये सर्च करते हैं कि मैं YouTube वीडियो को किस टाइम पब्लिश करूं, या फिर YouTube पर बेस्ट टाइम कौन सा है वीडियो पब्लिश करने का, तो दोस्त यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर YouTube पर कोई भी टाइम फिक्स नहीं है कि आप इस टाइम वीडियो पब्लिश करेंगे तो आपके वीडियोज़ पर व्यू आ जाए। बट फिर दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे सजेशन दूंगा जिससे आपको ये अंदाज़ा मिल जाएगा कि आखिर मैं किस कैटेगरी पर किस टाइम वीडियो पब्लिश करूँ तो मेरे चैनल पर व्यू अच्छे खासे आ जाए। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो, और अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि यूट्यूब पर किस टाइम वीडियो पब्लिश करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोई भी टाइम फिक्स नहीं है कि आप किस टाइम वीडियो पब्लिश करें, बट ये आपके कैटेगरी पर और कंटेंट पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का कैटेगरी का आपका चैनल है या फिर आप कंटेंट किस टाइप के देते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपका चैनल जो है वो एजुकेशनल चैनल है, तो एजुकेशनल चैनल का एक टाइम फिक्स रहना चाहिए कि आप अपने वीडियोज़ को इस टाइम पब्लिश करेंगे। इससे क्या होता है कि ऑडियंस को इंतजार रहता है आपके अगले वीडियो को देखने का। तो अगर आप एक शेड्यूल फिक्स करते हैं तो उस टाइम को आपके ऑडियंस को पता चल जाता है कि जो हमारे सर है या फिर हमारे जो पढ़ाने वाले टीचर है वो इस टाइम वीडियो पब्लिश करेंगे, तो क्या करते हैं कि वो उस टाइम थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं। बट टेक चैनल या फिर न्यूज़ चैनल या फिर और भी ऐसे चैनल हैं जिनके लिए कोई भी शेड्यूल फिक्स नहीं होता है। यहाँ पर टेक चैनल की बात करते हैं तो यहाँ पर टेक न्यूज़ या फिर न्यूज़ कभी भी आ सकता है और आपको इस पर तुरंत वीडियो बनाकर पब्लिश करना होता है। तो अगर मान लीजिए आप एजुकेशनल चैनल पर काम कर रहे हैं, तो आपको एक मैं आसान तरीका बताऊंगा जिसे आप ये जान सकते हो कि कैसे आप बेस्ट टाइम चूज़ कर सकते हो जिस टाइम आप वीडियो पब्लिश करें और आपका वीडियोस पर व्यूज़ अच्छे खासे आ जाए। तो इसका इस्तेमाल आप टेक चैनल के लिए या फिर न्यूज़ चैनल के लिए या फिर कोई और अदर चैनल के लिए भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपकी हेल्प करेगा YT स्टूडियो ऐप। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब स्टूडियो ऐप में आपको ये पता चल जाएगा कि आप किस टाइम वीडियो पब्लिश करेंगे। तो चलिए चलते अपने फ़ोन के स्क्रीन पर और जानते हैं कि किस टाइम हम वीडियोस को पब्लिश करें जिससे हमारे वीडियोस पर व्यूज़ अच्छे खासे आ जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं यूट्यूब स्टूडियो ऐप में आ चुका हूँ। यहाँ पर जाने के बाद आपको सबसे ऊपर में एनालिटिक्स का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ से आपको एनालिटिक्स में व्यू मोर पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, तो जो सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है रियल टाइम व्यूज़ का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो रियल टाइम की और जो टाइम है उसे 48 आवर्स का ही रहने देना है। तो यहाँ पर आपके सामने एक ग्राफ ओपन हो चुका है, तो अभी आप लोग देखो कि ग्राफ में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, बट इसे समझने के लिए जहाँ जहाँ ग्राफ थोड़ा उभरा हुआ है बस आपको उस पर क्लिक करना है। तो आप लोग देखो कि 1-9 को मुझे 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में 272 व्यूज़ मिले हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो कि ये ग्राफ और भी थोड़ा ऊंचा है, तो जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो रात के 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच मुझे 317 व्यूज़ मिले हैं। इसके बाद जहाँ ग्राफ नीचे है अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यानी कि सुबह के 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में मुझे 24 व्यू, यानी सबसे कम व्यू मुझे सुबह के टाइम ही मिले हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि किस टाइम वीडियो को यहाँ पर व्यूज़ ज़्यादा मिल रहे हैं। हो सके दोस्तों आपके केस में थोड़ा अलग हो, बट मेरे केस में तो यही है कि मुझे सुबह के जो व्यूज़ है वो बहुत कम मिलते हैं। तो अगर मैं सुबह में वीडियो पब्लिश करता हूँ तो मुझे व्यूज़ बहुत कम मिलेंगे। और दोस्तों ऐसा होता भी है कि सुबह के टाइम बहुत ही कम सब्सक्राइबर एक्टिव रहते हैं, तो सुबह में आपको वीडियो 4:30 बजे या फिर 3:30 बजे पब्लिश नहीं करना है। वहीं आपको और भी काफ़ी सारे ग्राफ में उभार दिखाई दे रहेंगे, तो आप लोग जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको वो सभी टाइम का पता चल जाएगा जिस टाइम आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा एक्टिव थे। तो यहाँ पर 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में मुझे 252 व्यू मिले हैं। तो यहाँ जहाँ ग्राफ ऊपर है, अगर मैं उस टाइम के दौरान अगर वीडियो पब्लिश करता हूँ तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि मेरे वीडियोज़ पर व्यूज़ ज़्यादा आ जाए। सो फ्रेंड्स, आपके केस में थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट यहाँ से आपको एस्टिमेटेड टाइम का पता चल जाएगा जिस टाइम अगर वीडियो पब्लिश करेंगे तो आपके वीडियोज़ पर अच्छे खासे व्यूज़ भी मिल जाए। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप यूट्यूब स्टूडियो ऐप से ये पता लगा सकते हो कि रियल टाइम व्यू पर कितने सब्सक्राइबर ऑनलाइन रह रहे हैं या फिर एक्टिव रह रहे हैं, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो। और इसी टाइम आप अगर आप वीडियो को पब्लिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपके वीडियोज़ व्यू अच्छे खासे आ जाएँ। अगर दोस्तों इससे भी आपको अंदाज़ा नहीं मिल रहा है तो आप अपने सब्सक्राइबर से पोल में पूछ सकते हो कि आपको किस टाइम वीडियोज़ चाहिए, तो
वहाँ पर पोल में जितने ज़्यादा आंसर्स आएंगे या फिर जिस भी आंसर पर ज़्यादा परसेंटेज आएंगे तो उसी टाइम आप वीडियोस को पब्लिश करेंगे, तो हो सके तो आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़्यादा व्यूज़ मिल जाए। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आई होप आपको समझ आ गया कि यूट्यूब पर बेस्ट टाइम कौन सा है वीडियो पब्लिश करने का। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करना ना भूलें, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। दोस्तों, मैं मिलता हूँ ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।